अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडानिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी समझी जाती है। आज हम देखेंगे कि पॉलीनोमियल्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं जी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल है हमारा 3x² प्लस 5x माइनस 9। सेकेंड पॉलिनोमियल है हमारा 4x। कहते हैं जी मल्टीप्लाई करें फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकेंड पॉलिनोमियल के साथ। मल्टीप्लाई करने का मेथड बहुत इजी है। पहला पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल ये है। हमने पहले पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस पॉलिनोमियल को बाहर रख लें, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लें। ब्रैकेट के अंदर और बाहर रखने का क्या मकसद है? जो बाहर वाला नंबर है दरमियान में साइन नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब यही है कि ये वाला नंबर जितनी भी अंदर पॉलिनोमियल की टर्म्स है उन तमाम टर्म्स के साथ ये 4x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको वन बाय वन लिख लेंगे। 4x को मल्टीप्लाई किया 3x² के साथ, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। फिर 4x को मल्टीप्लाई किया 5x के साथ, फिर माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। फिर 4x को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ। अब जो कॉफिशेंट होता है वो हमेशा कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जो वेरिएबल होता है उसको हमेशा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कॉफिशेंट कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। कॉफिशेंट कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें वेरिएबल कोई नहीं है तो ये वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा जी। कोफिशियंट को कोफिशियंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। इसको मैं और मार्कर से लिख देता हूं जी, ताकि पता रहे कि एक्स नहीं है मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। एक्स को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स की मल्टीप्लीकेशन है x² के साथ, ठीक है जी। प्लस का साइन एज इट इज। 4 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ और x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। माइनस एज इट इज, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ। इधर भी इसको कलर्ड मार्कर से लिख देते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ और x चूंकि अलहदा है, सिंगल वेरिएबल है इसमें, तो x एज इट इज आ जाएगा। जब कोफिशियंट को कोफिशियंट के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4 3 12। अब इसको समझने की जरूरत है। x और x² प्रोडक्ट लॉ हमने एक डिस्कस किया, रिकॉल करते हैं जी। प्रोडक्ट लॉ के जो है, जो प्रोडक्ट लॉ है वो हमें क्या कहता है कि अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस एक ही रहेगा और पावर्स ऊपर प्लस हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब x की पावर 3 आ जाएगा। अब इसमें भी यहां पे वैसे ही है कि x की पावर इधर 1 है इधर 2 है, बेस दोनों का सेम है तो बेस एक दफा आ जाएगा और पावर जो है ऊपर ऐड हो जाएगी तो 2 और 1 x की पावर 3 बन जाएगा। आगे चलते हैं जी। प्लस का साइन एज इट इज। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 5 20। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, बेस सेम रहा, इधर भी x की पावर 1 है इधर भी x की पावर 1 है, दोनों पावर्स प्लस की गई तो x की पावर 2 आ गया। माइनस 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 36, और x अकेला वेरिएबल था इसलिए इसको एज इट इज लिख दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मेन स्टेप जो है इसका, ये दो स्टेप्स हैं जो वर्किंग मेथड है।
इसमें हमने क्या करना है समझ के साथ, मैंने ये अलहदा कलर मार्कर से आपको हाईलाइट इसलिए किया कि आपको जहन नशी हो जाए कि हमेशा वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और कोफिशेंट कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर कोई वेरिएबल ना हो तो वेरिएबल को एज इट इज हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोफिशेंट को कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया, कोफिशेंट एज इट इज मल्टीप्लाई होकर डिजिट बन गए और ये वेरिएबल जो थे वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ सॉल्व किया इनको। इधर भी कोफिशेंट्स को एज इट इज मल्टीप्लाई किया और इधर जो वेरिएबल थे उनको प्रोडक्ट लॉ के थ्रू किया और यहाँ पे कोफिशेंट को कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई किया 36 और वेरिएबल एज इट इज आ गया। आज हमने देखा कि दो पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे लेक्चर्स को सुनने के लिए मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करें। अल्लाह निगेबान।